शिल्पा नगर का ठाकुर बलराज अपनी पत्नी लक्ष्मी के साथ रहता था। गांव के सब लोग बहुत गरीब थे क्योंकि बलराज और लक्ष्मी गांव की तरक्की की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे। उन्हें हर समय बस अपनी अय्याशी की परी रहती। बलराज की बहन रानी शहर से पढ़ाई मुकम्मल करके 2-3 दिन पहले ही गांव वापस आई थी, तो उसने देखा कि पूरा गांव बहुत ही गुर्बत की जिंदगी बिता रहा है। ये सब देखकर उसने फैसला किया कि वो अपनी पढ़ाई का फायदा उठाएगी और अपने गांव को तरक्की की तरफ लेकर जाएगी। तुम्हारे आने से तो यहाँ रौनक हो गई है। और सुनाओ, क्या क्या सीखा है तुमने वहाँ? भाभी, मेरी यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी थी। उन्होंने पढ़ाई के साथ साथ बहुत कुछ सिखाया है, जैसे कि कुकिंग क्लासेस, सिलाई कढ़ाई, शू डिजाइनिंग और पार्लर का काम, और बहुत सी ऐसी कलाएं जिनके इस्तेमाल से इंसान अमीर हो सकता है। सब कुछ सीखा है मैंने। अरे वाह बहना, ये तो बड़ी अच्छी बात है। तुमने इतनी बड़ी डिग्री हासिल कर ली। तुमने तो अपने खानदान का ठाकरों की बिरादरी में नाम रोशन कर दिया। वाह, अब तो हमारी बल्ले बल्ले हो जाएगी। मेरी बहन इतनी लायक फायक है। भैया, मैंने फैसला किया है, मैं एक स्कूल खोलूंगी और गांव वालों को नई नई कलाएं सिखाऊंगी, जिनका इस्तेमाल करके गांव खूब अमीर हो जाएगा। अरे देख रानी, तुम्हारी मर्जी, तुम जैसा चाहती हो वैसा ही कर। मैं तुझ पे कोई अपनी मर्जी मसल्लत नहीं करना चाहता। तुझे किस लिए पढ़ाया लिखाया? शहर में इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में से डिग्री किस लिए तुझे दिलवाई? इसीलिए ना, कुछ अच्छे अच्छे काम करे, कुछ अच्छा करे, अपनी बिरादरी के लिए भी और अपने गांव और बस्ती के लिए भी। अब मुझसे तो कुछ नहीं होता, मैं तो थक हार गया हूँ इन गाँव के सीधे साधे पेंडू लोगों से कलप कलप कर। और हाँ देख, स्कूल खोल ले तू, और जहाँ मेरी मदद की जरूरत हुई तो मुझे जरूर बताना। फिर रानी ने गांव में स्कूल खोला और गांव वालों को अलग अलग कलाएं सिखानी शुरू की। रानी एक बहुत अच्छे दिल की मालिक थी। वो गरीब गांव वालों को मुफ्त में सिखाती थी। गांव के सभी लोग रानी के स्कूल में कलाएं सीखने के लिए आने लगे। रानी बहुत खुश थी। एक दिन रानी स्कूल से वापस आ रही थी, उसे एक लड़का नजर आया जो कचरे में से कुछ ढूंढ रहा था और उसकी हालत भी काफी खराब लग रही थी। रानी उसके पास गई। अरे तुम्हारा नाम क्या है? तुम कचरे में क्या ढूंढ रहे हो? मेरा नाम चंदन है, मैं कचरे में खाने के लिए कुछ ढूंढ रहा हूँ। कचरे में खाना कहाँ से आया? जाकर दुकान से खाना खरीदो ना। मेरे पास खाना खरीदने के लिए कोई पैसा नहीं, मैं बहुत गरीब हूँ। तो पैसे कमाने के लिए कोई मेहनत मजदूरी कर लो। देखो मेरे पास कोई कला नहीं है, जिस कारण गांव में कोई मुझे काम देने को तैयार ही नहीं। चंदन की हालत देखकर रानी फैसला करती है कि वो उसे भी एक अच्छी कला सिखाएगी। मेरा नाम रानी है, गांव में जो स्कूल खुला है ना, मैं उसकी मालिक हूँ और गांव के ठाकुर बलराज की बहन हूँ। मैंने फैसला किया है, मैं तुम्हें एक अच्छी सी कला सिखाऊंगी, जिसका अगर तुम सही तरीके से इस्तेमाल करो और मेहनत से ना भागो तो तुम बहुत अमीर हो सकते हो। मैं तुम्हें जूते बनाना सिखाऊंगी। देखो रानी जी, मेरे पास तो जूते बनाने का सामान खरीदने के पैसे ही नहीं, कहाँ से मैं पैसों का इंतजाम करूँ? ना ही कोई मुझे उधार देता है, मैं बहुत लाचार हूँ। इस बस्ती में कोई मुझे पीने के लिए पानी तक नहीं देता, तो पैसे मुझे कौन देगा? उसकी चिंता तुम मत करो, सारे सामान का इंतजाम मैं कर दूंगी। वाह, अगर ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा होगा, मुझे तो बहुत खुशी होगी। सारी जिंदगी बचपन से लेकर अब तक वैसे ही धक्के खा रहा हूँ और ठोकरे खा खा कर जिंदगी बसर कर रहा हूँ। फिर रानी चंदन को स्कूल ले आती है और जूते बनाने सिखाती है। कुछ ही दिनों में चंदन ने जूते बनाने अच्छे से सीख लिए। वाह, कितने अच्छे डिजाइन के जूते बनाए हैं, सभी बहुत ज्यादा सुंदर हैं। तुमने तो कमाल कर दिया चंदन। मेरे पास तुम्हारे लिए एक कमाल का काम है। नदी के पास जो मेला लगने वाला है ना आज, जिसमें आसपास के सभी गांव और शहरों के अमीर लोग आएंगे, उस मेले में लेकर जाओ इन जूतों को। मुझे विश्वास है सब लोगों को तुम्हारे बनाए हुए जूते बेहद पसंद आएंगे। हाँ हाँ, मैं भी ऐसा ही चाहता हूँ।
कि मेरी कला की कोई कदर करने वाला हो। बहुत मेहनत की है मैंने इस कला को पाने के लिए। फिर चंदन मेले में अपने बनाए हुए जूतों को लेकर गया और वहाँ स्टॉल लगाकर उन्हें बेचने लगा। थोड़े समय बाद वहाँ पर एक बहुत बड़ा जूतों का व्यापारी आता है। अरे वाह, क्या अद्भुत जूते बनाए हैं तूने लड़के, देख जरा मुझे ठीक से बता, ये सब तूने बनाए हैं? जी साहब जी, सारे मैंने ही बनाए हैं। वाह बहुत कमाल, बहुत कमाल, बहुत कमाल की कला है तेरी लड़के। बोल कितने पैसे चाहिए तुझे एक जूतों के जोड़े के? देखे सेठ जी, जितना आपका मन चाहे इतने ही दे दें। देखो नौजवान, जूतों की एक जोड़ी का 5,000 रुपया कैसा रहेगा? 5,000? अरे क्यों, कम है क्या? जी नहीं नहीं सेठ जी, काफी है मेरे लिए। सुनो नौजवान, ये तुम्हारे जूते मुझे बहुत ही पसंद आए हैं, और तुम्हारी बात में अगर सच्चाई हुई तो मैं तुम्हारे साथ कुछ बड़ा व्यापार करने का सोच रहा हूँ। मैं काफी समय से जूते बनाने वाले किसी अच्छे कारीगर की तलाश में था, तो मुझे लगता है मेरी तलाश आज खत्म हो गई। क्या मेरे साथ तू व्यापार करना चाहेगा? जी मैं जरूर व्यापार करूंगा सेठ जी। देख मैं तुझसे हर महीने 500 जूतों के जोड़े खरीदूंगा, क्या तुम कर पाओगे? हाँ हाँ सेठ जी, मैं जरूर कर पाऊंगा, 500 जोड़ी जूते, हाँ मैं बना कर दूंगा जरूर आपको। व्यापारी चंदन को बहुत सारे पैसे देकर वो सब जूते खरीद लेता है। चंदन की खुशी की कोई इंतहा नहीं थी। अरे ओ रानी, अरे ओ रानी, देखो क्या हो गया, बहुत खुश नजर आ रहे हो, तुम तो नदी के मेले पर गए थे ना? चंदन रानी को सारी बात बताता है। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है, अब तुम खूब मेहनत करो, अभी खुशकिस्मती तुम्हारे साथ है, इसका फायदा उठाओ। फिर चंदन हर महीने उस व्यापारी का ऑर्डर पूरा करके देता और उसे खूब पैसे मिलते। कुछ समय में ही चंदन बहुत ज्यादा अमीर हो गया। वो अपनी चंदन शूज नाम की बहुत बड़ी ब्रांड खोलता है। उसकी ब्रांड इतनी मशहूर हो गई कि शहर शहर गांव गांव हर जगह उसी के ब्रांड के जूते पहने जाते। कैसी हो रानी, क्या हाल चाल है, कैसी गुजर रही है आजकल? अरे चंदन वाह, काफी दिनों बाद मिलने आए हो, काफी अमीर जो हो गए हो, अब मेरे लिए कहाँ समय होगा तुम्हारे पास? अरे ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो तुमसे एक बहुत जरूरी बात करने आया हूँ। हाँ बोलो, क्या जरूरी बात करनी है? देखो रानी, तुम मेरी बहुत बड़ी मोहसिन हो, मैं तुमसे कोई ज्यादा घुमा फिरा कर बात नहीं करूँगा। तुम एक बहुत ही अच्छी और दयालु स्वभाव की लड़की हो, तुमने मेरा उस समय साथ दिया जब मेरे पास एक फूटी कोड़ी तक नहीं थी। रानी देख, मैं तुझसे शादी करना चाहता हूँ, तुमसे अच्छा जीवन साथी मुझे कहीं नहीं मिलेगा, चाहे बस्ती बस्ती फिर लूँ मैं। अरे ओ चंदन, ये तो बड़ी खुशी की बात है, हमारी बहन बहुत ही खुशकिस्मत है जो इसे तेरे जैसा होनहार और लायक जीवन साथी मिल जाए। मैं आज ही पंडित से मुहूर्त निकलवाता हूँ और तुम दोनों की शादी करा दूंगा मैं। फिर कुछ दिनों बाद रानी और चंदन की धूमधाम से शादी हो जाती है और वो दोनों राजाओं महाराजाओं जैसी अमीर जिंदगी बिताने लगते हैं।